बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रहमान फ्रॉम पाकिस्तान। नाउ यू नो इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। इससे पिछली वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में सिंपल पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसमें पढ़ा था कि फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयारी, यानी वो ग्रीन प्लांट जो कि लाइट की मौजूदगी में अपने लिए खुराक हासिल करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हैं, ये उनके जो है वो हम कहते हैं कि ये ऑटोट्रॉफ है, यानी खुद जो अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। और खुद खुराक को तैयार करने के लिए फिर उनको जो है वो उन ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है जिनके ज़रिए से फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो उसमें फिर हमने मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ पर होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना होता है, ग्रेनम होता है, ल्यूमन होते हैं, इनर साइड आउटर साइड स्ट्रोमा होता है। फिर इसके अलावा जो है उसके हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को भी देखा था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम टू क्या होता है, फोटोसिस्टम वन क्या होता है, फोटोसिस्टम टू का रिएक्शन सेंटर जो है वो 680 नैनोमीटर क्यों होता है, क्योंकि उनका जो वो जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट जो है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोटोसिस्टम वन क्या होता है, फिर फोटोसिस्टम वन के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था उसका रिएक्शन सेंटर P700 होता है, क्योंकि वो जो है 700 नैनोमीटर की लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं जो सन लाइट से आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन जो होता है उसके जो फोटोकेमिकल फेज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके फोटो केमिकल फेज में सबसे पहले जो है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लाइट एब्जॉर्प्शन क्या है, मतलब लाइट जो है वो कैसे एब्जॉर्ब होती है प्लांट्स के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाटर स्प्लिटिंग क्या चीज़ होती है, कि वाटर जो है उसकी ब्रेक डाउन कैसे होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो है उसकी वो कैसे रिलीज होती है प्लांट से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH, कि जो ATP है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो, और NADPH जो है ये कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो क्या करेंगे हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लाइट रिएक्शन जो है वो इन ये चीज़ें सारी लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो इनके जो मुख्तलिफ प्रोसेस है तो उसको हम कहते हैं कि ये फोटोकेमिकल फेज है। तो हम फोटोकेमिकल फेज के बारे में पढ़ेंगे आज इसके लाइट रिएक्शन के। अब अगर ATP देखें और NADPH देखें तो ये इसको हम कहते हैं कि ये हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। सबसे पहले हम देखें कि जेड स्कीम क्या चीज़ होती है लाइट रिएक्शन के अंदर, क्या होता है जेड स्कीम। जेड स्कीम भी जो है ये सेम नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट चेन की तरह का ही प्रोसेस है, करके वही है। तो इसमें अब हम अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, लाइट रिएक्शन का अमल होता है जिसमें फोटोकेमिकल फेज होता है, तो उसमें ये कैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं यहाँ पे। तो अगर सबसे पहले हम इस जेड स्कीम जो है इसकी हम एम देखें कि इनका जो है वो मतलब क्या है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो इस जेड स्कीम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं ये यहाँ।
यहाँ जो है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर के ब्रेक डाउन होने के बाद। जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसको ट्रांसफर करते हैं, किधर ट्रांसफर करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इसको ट्रांसफर करते हैं किसमें, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे तीन किस्म के जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं प्लास्टोसाइनिन, दूसरे को हम कहते हैं प्लास्टोक्यूनिन। पहले जो प्लास्टोक्यूनिन होता है, फिर साइटोक्रोम B6 होता है, फिर उसके बाद जो है वो प्लास्टोसाइनिन होता है। तो फिर इनके अंदर जो है वो क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वाला। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे P700, क्योंकि ये हमारे पास आपको पता है कि इसका जो फोटोसिस्टम 1 है उसका रिएक्शन सेंटर 700 है, तो यहाँ पे 700 की जो है वो लाइट आती है। 700 की लाइट आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आता है वो अप हो जाता है। जब अप हो जाता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एंड एक्साइटेड एंड ट्रांसफर टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये फोटोसिस्टम 2 है, पहले हमने कहा कि दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 1, दूसरे को हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। ये इनकी डिस्कवरी की बेस पे इनको जो है अलग अलग किया है गया है, और इसमें इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो 680 नैनोमीटर है, और इसका फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो 700 है। अब अगर देखें तो फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है किस चीज़ को, रेड लाइट। वो रेड लाइट, अब रेड लाइट क्यों कहा है, क्योंकि सनलाइट से जो रोशनी आती है, जो श्वाएँ आती हैं, जो रेज आती हैं, उसमें जो 680 नैनोमीटर वाली लेंथ की रेज होती हैं वही फोटोसिस्टम 2 एब्जॉर्ब करता है। और जब 680 नैनोमीटर वाली रेज होंगी तो वो 680 नैनोमीटर की रेंज के अंदर जो रेज होती हैं उनका कलर रेड होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेड कलर है। अब वेवलेंथ क्या चीज़ है, वेवलेंथ हम कहते हैं कि अब अगर ये दो वेव, ये वेव है तो इस वेव का जो ये दरमियानी फासला होता है, इस दरमियानी फासले को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वेवलेंथ है। तो हर एक कलर के अपने जो है वो वेवलेंथ होती है। तो अब रेड कलर जो सनलाइट से आती है उसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, जब ये आती है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो है वो फोटोसिस्टम 2 एक्साइटेड हो जाता है। जब एक्साइटेड हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन आकर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पासिस देम टू ए चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जिसमें जो मुश्तमिल होते हैं, जिसमें होते हैं क्या चीज़, साइटोक्रोम्स। यानी यहाँ पे सबसे पहले होता है प्लास्टो क्यूनिन, प्लास्टो क्यूनिन के बाद होता है साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम B6 के बाद होता है प्लास्टोसाइनिन। तो इससे ये जो है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गुजरता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल इन टर्म ऑफ रिडॉक्स स्केल। अब ये रिडॉक्स स्केल क्या होता है कि यहाँ पे ये शो होता है 1200 से, यहाँ पे ये शुरू होता है पॉजिटिव 200 से, और ये यहाँ से जाके फिर इससे ऊपर फिर नेगेटिव होता जाता है। यहाँ तक जो है ये क्या होता है, ये यहाँ तक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। तो जब अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है रिडॉक्स पोटेंशियल पे। अब रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है कि वो मॉलिक्यूल जो होते हैं, उन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर उनकी हायर वैल्यू है किस चीज़ की, उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाई है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 1200 है, तो यहाँ पे देखें तो ये 1200 है। ये 1200 होने की वजह से यहाँ पे आप अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ पे इसमें ये कितना है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है।
और ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ये हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखें तो वाटर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है या कम होती है या लो होती है, तो लो होने की वजह से ये क्या होता है, ये नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद फोटो सिस्टम टू एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसफर होने की जरूरत है, क्योंकि आप ये प्रोसेस जो है इसलिए होता है क्योंकि वाटर कभी भी NADPH प्लस को जो है वो हाइड्रोजन नहीं देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं देगा। अब क्यों नहीं देगा? इसलिए क्योंकि वाटर यहाँ पे है और NADPH यहाँ पे है। आप यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव है और यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है। इनका आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो इस रिडॉक्स पोटेंशियल का डिफरेंस होने की वजह से ये इसको क्या करेगा, इसको ये यहाँ पे वाटर जो है यहाँ पे इसको ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकेगा। तो इसलिए इसके ज्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस होने की वजह से इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है डायरेक्टली। जब यहाँ पे डायरेक्टली इम्पॉसिबल होता है, यानी यहाँ से डायरेक्ट वाटर इसको नहीं दे सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए फिर फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन जो है इस्तेमाल होते हैं। और इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं कि ये जेड स्कीम ऑफ लाइट है। क्या है? जेड स्कीम ऑफ लाइट है। अब जेड स्कीम ऑफ लाइट क्या है कि जेड स्कीम ऑफ लाइट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखें ये इसका जिग जैग स्ट्रक्चर है। ये देखें जिग जैग स्ट्रक्चर, यानी ऊपर नीचे ऐसे जेड की तरह बना हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, जिग जैग है। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल के। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये डाउन स्केल में जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल में जो है ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जब नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव था तो इसने वाटर से एक्सेप्ट किया, जब यहाँ पे नेगेटिव है तो ये यहाँ से क्या करेगा, डोनेट करेगा। यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, कौन, जब प्लास्टो किसके पास जाएगा, प्लास्टो क्यूनिन के पास जाएगा। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव होगा जब जाएगा किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास। फिर पॉजिटिव होगा जब जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा कहाँ पे, फोटोसिस्टम वन में, और यहाँ पे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने की वजह से फिर यहाँ पे एनर्जी आएगी और फिर जो है ये मूवमेंट करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फिर पॉजिटिव है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ ऊपर जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो ये इस नेगेटिव तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे रिडक्शन नेगेटिव है तो यहाँ पे ये NADPH प्लस और NADP प्लस तक पहुंच जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट ऑफ फोटो सिस्टम वन। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, यानी प्लास्टो क्यूनिन से, साइटोक्रोम B6 से और प्लास्टोसाइनिन से ट्रांसफर होता हुआ ये फोटो सिस्टम वन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम वन आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। अब ये जो फोटो सिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर है, इसकी जो रिएक्शन सेंटर है ये 700 है। अब 700 क्यों है? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट जो सनलाइट से आती है उसको ऑब्जर्व करता है और इसके कलर भी क्या होता है, रेड होता है, क्योंकि इस वेवलेंथ की जो रेज आती है उनका कलर रेड होता है। एंड वी आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। फिर क्या होता है कि ये ट्रांसफर करता है एक और मॉलिक्यूल को, तो उसका अलग जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब कि उसका रिडॉक्स रिडक्शन जो है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। दीज इलेक्ट्रॉन आर मूव डाउनहिल टू मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। फिर जब ये पॉजिटिव से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे इसकी जो है आप देखें तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिडक्शन जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये एक्सेप्ट करके इसने एक्सेप्ट किया। अब इसने जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक मूवमेंट की तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो ये NADP प्लस को देगा, तो यहाँ पे ये NADPH प्लस बन जाएगा।
और इससे पहले यहाँ पे फोटो सिस्टम टू में जो है वो एन ए, ए सॉरी ए डी पी से एडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट बन जाएगा। उसके बाद दीज इलेक्ट्रॉन आर मूव डाउन हिल टू मालिक्यूल ऑफ एन ए डी पी प्लस एज ए रिजल्ट एन ए डी पी इज रिड्यूस टू एन ए डी पी एच। जब ये मालिक्यूल यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसके रिजल्ट में ये एन ए डी पी प्लस और एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस बन जाएगा। यहाँ पे आपको कहा कि वाटर डायरेक्ट नहीं कर सकता था, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन इनके अंदर क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। किस लिए? एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, आयन देने के लिए। किसको? एन ए डी पी प्लस को एन ए डी पी एच बनाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम टू टू फोटो सिस्टम वन एंड फाइनली डाउन हिल टू एन ए डी पी प्लस इज कॉल्ड द जी स्कीम, जेड स्कीम। अब ये जो सारा प्रोसेस हुआ, लाइट यहाँ पे आई, रिडॉक्स रिडक्शन यहाँ पे ज्यादा था, फिर ऊपर कम हो गया, फिर यहाँ पे ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया और एन ए डी पी तक एच पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। तो ये जो शेप बनी, ये जेग जेग बनी, जेड शेप बनी, इसलिए हम इसको कहते हैं ये जेड स्कीम है। ड्यू टू इट्स जेग जेग शेप द शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस आर ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, दैट इज कॉल्ड जेड स्कीम लाइट रिएक्शन। हम देखें तो यह है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फाइटोलाइसिस। तो फाइटोलाइसिस क्या होता है कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर ग्रेना, स्ट्रोमा, ल्यूमन होते हैं, उन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है जिसके साथ जो है वो ये सारे स्ट्रोमा, ग्रेना और ग्रेम मौजूद होते हैं, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वहां पे ये वाटर, ये देखें तो यहां पे स्प्लिट हो रहा है, स्प्लिट होने की वजह से इसकी ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन होने की वजह से यहाँ से ऑक्सीजन एज ए बायो प्रोडक्ट निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है फोटोसिस्टम टू को, इसी की वजह से ये मूवमेंट करके यहाँ पे एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस बना देता है। सो फोटोसिस्टम वन कैन सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बाय रिप्लेसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, क्योंकि यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो वो आगे वापस नहीं आया, वो एन ए डी पी एच ने ले लिया, अब यहाँ पे उसको कमी को पूरा करने के लिए जरूरत है, तो वो जरूरत कौन पूरा करता है? वो वाटर के ब्रेक डाउन होने की वजह से वो जरूरत पूरी हो जाती है। दस फोटोसिस्टम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस एंड रिमूव फ्रॉम फोटोसिस्टम वन। जो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए वही वाटर क्या करेगा, इसको दे देगा। द प्रोटॉन एच प्लस आर यूज टू रिड्यूस एन ए डी पी टू एन ए डी पी एच। तो वही प्रोटॉन जो एच प्लस होगा वो क्या करेगा, वो एन ए डी पी प्लस को रिड्यूस करेगा एन ए डी पी एच में, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगी एज ए बायो प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।